So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming once again you in Akash Time Education. So dear students, इस वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे आप लोगों को, मैं आप लोगों को बार बार एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ कि आप जो लोग सामने आ रहे WBJEE एग्जाम पे अपियर कर रहे हो, आप लोग प्लीज अपने पढ़ाई पे कम्प्लीटली पढ़ाई पे, जो लास्ट 10 दिन आपके हाथ में बचा हुआ है, जो लास्ट हफ्ता आपके हाथ में है, जो हफ्ता भी चल रहा है, इस हफ्ते में जरूर प्लीज एंड प्लीज रिवीजन पे ध्यान दीजिए। आप सब लोगों के पास मेरा ये विनीत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पढ़ाई पे जो है ध्यान दीजिए। एग्जाम जो है और फर्दर पोस्टपोन होने का चांसेस अब बहुत 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 ही कम चुका है। मैं बोल सकता हूँ मात्र 0.01% चांसेस है एग्जाम और भी पोस्टपोन होने का। अब बहुत सारे लोग मुझको पूछोगे कि भैया, आप सब बहुत सारे लोग मुझको गाली भी दे सकते हो कि भैया आप क्यों हम लोगों को इतना डरा रहे हो, बट मैं आपको एक ट्रू करवा सच बोलना चाहता हूँ। मैं खुद से पर्सनल लेवल से ममता बनर्जी को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बार बार ट्वीट किया था, आप सब लोग मुझको सपोर्ट किए थे। साथ ही साथ मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ WBJEE का खुद मैंने उनके साथ फोन करके उनके साथ बातें की थी। मैंने बार बार उनके पास रिक्वेस्ट रखी थी कि प्लीज एटलीस्ट अगस्त तक एग्जाम को पोस्टपोन करा दीजिए, एज बिकॉज सिचुएशन जो अच्छा चल नहीं रहा स्टूडेंट्स का यहाँ पे एग्जाम दे, जो एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जो आउटसाइडर्स है, जो लोग बिहार झारखंड से आते हैं, उन लोगों को यहाँ पे आके एग्जाम देना बहुत ही कठिन होता है। इसके लिए मैं चाह रहा था कि उन लोगों के लिए एग्जाम थोड़ा और बहुत पोस्टपोन हो, बट मेरे ये तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है जिन्होंने कोशिश किया, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग है जो कोशिश किए, बट 100% श्योर एग्जाम और पोस्टपोन फर्दर पोस्टपोन नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन आज ही कल ही आपके सामने उठ के आ चुके हैं। आई थिंक आप सब लोग जो है जान चुके हो कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने सरासर घोषणा कर दी है कि आपका जो जेई मेंस का जो बचा हुआ जो शिफ्ट है, वो जो शिफ्ट एक होगा, थर्ड शिफ्ट आपका होगा 20 जुलाई से 25 जुलाई के अंदर, एंड जो फोर्थ शिफ्ट एंड लास्ट शिफ्ट होगा 27 जुलाई से 2 अगस्त के अंदर। तो मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया, आप जो लोग 20 तारीख को एग्जाम दे पा रहे हो जेई मेन्स का एग्जाम, तो जरूर 17 तारीख को वही स्टूडेंट्स WBJEE भी दे पाओगे। WBJEE बोर्ड आपके सामने यही जो है रीजन खड़ा करेगी कि आप लोग 20 तारीख को जेई मेन्स दे पा रहे हो, 17 तारीख को तो आप लोग जरूर WBJEE का अपेयर कर सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज, जो लोग बाहर से आ रहे हो, जो लोग अभी प्रिपरेशन ठीक से जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है कोरोना के चलते, बहुत सारे इश्यूज है, बट मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ और पोस्टपोन होने का चांसेस बहुत कम चुका है, तो आप लोग लास्ट वीक में प्लीज ये सबके ऊपर फोकस मत करके। बहुत सारे लोग अभी भी आप लोगों को बोलेंगे, अभी भी आपके सामने ऐसी वीडियोस उठ के आएगी जहां पे आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोग अभी भी एग्जाम पोस्टपोन होगा, आप लोगों को सपोर्ट करने का बोला जाएगा, बट मैं आपको प्लीज 100% रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपने पढ़ाई पे इस लास्ट वीक पे प्लीज ध्यान दीजिए। प्लीज ये मेरा विनीत रिक्वेस्ट है आप सब लोग के द्वारा। तो ये बात गई जेई मेंस, आज का जो डेट घोषणा हुई, मैं इससे सरसर मैं खुद भी बहुत मुझको खराब लगा कि बिकॉज एटलीस्ट अगस्त तक जो है एग्जाम को पीछे ले जाया जा सकता था, एज वेल एज वेस्ट बंगाल ज्वाइंट को भी किया जा सकता, बट और गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही और चांसेस नहीं बने रहे, तो आप लोग प्लीज आपके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, एक भैया की तरफ से, एक सर की तरफ से, आप लोग मुझको जो भी मानते हो, मैं ट्राई किया कि आप लोगों को जो है लास्ट टाइम पे थोड़ा नोटिस करवा दूं कि प्लीज इस सब के ऊपर और ज्यादा टाइम मत वेस्ट करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जो लोग वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, बिकॉज इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स को आप लोग सचेतन कीजिए कि बोलिए कि पढ़ाई करो, लास्ट टाइम है भाई, पढ़ लो, जितना भी रैंक हमारा अच्छा आ जाए हम लोग अच्छा ले आ सकते हैं, जरूर आप लोग जरूर कर पाओगे, कॉन्फिडेंस रखो, आप लोगों का एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।